आज का तीसरा सवाल। सजदे की हालत में दोनों पांव को आपस में मिलाना और एड़ियों को जोड़ लेना किसी सही हदीस से साबित है? जी हां भाई, सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक दो तरीक हैं, 730 और 734 नंबर, और तिर्मिजी में 304 नंबर और मिश्कात में 801 नंबर। अबू हुमैद सादी की जो हदीस है, 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका बताया, बड़ी डिटेल हदीस है जिसमें 11 सहाबी हैं। तो मैं कहता हूं ये 11 सरकार है, तो 11वीं भी सरकार, एक 11 सरकार है, इन्हें पीछे करो, जिन्होंने पूरा नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 30 साल के बाद बयान फरमाया, जो मैंने पिछली नशिस्त जो थी क्वेश्चन आंसर सेशन की मसला नंबर 110 बी उसमें बयान किया। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपने पांव की उंगलियों को खोल लेते और पंजों को किबला रुख कर लेते, यानी ये खुल जाती है जब ऐसे आप इसको दबाते हैं, किबला रुख कर लेते। याद ये साबित हुआ। और अल मुस्तदरिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 832 नंबर हदीस है जिसे इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की, और सही इब्ने खुज़ैमा में भी 654 नंबर हदीस ये मौजूद है, सुनन कुबरा अल बैहकी में भी है, सही इब्ने हिब्बान में भी है, ये इब्ने हब्बान लफ्ज नहीं है, हिब्बान है, उसमें भी मौजूद है। और इमाम इब्ने खुज़ैमा जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, 654 नंबर हदीस थी, उसमें बाप बांधा कि सजदे की हालत में एड़ियां मिलाना सुन्नत है, और उसमें यह रवायत लेके आए कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और आपकी दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई थी सजदे की हालत में। अबू दाऊद से और तिर्मिजी से पता चला कि वो पंजे किबला रुख थे यूं मुड़ के, और अल मुस्तदरिल हाकिम, सुनन कुबरा अल बैहकी, सही इब्ने हिब्बान और सही इब्ने खुज़ैमा से पता चला कि एड़ियां मिली हुई थी, लिहाजा ये सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रेडिट दूंगा अहले हदीस को कि वो बड़े एहतमाम के साथ इस सुन्नत पे अमल करते हैं, लेकिन अक्सर जो बाबे किस्म के अहले हदीस हैं वो सिर्फ एड़ियां मिलाते हैं, पांव उनके उठे हुए होते हैं, वो उंगलियां जो है वो मुड़ के किबला रुख नहीं होती है, बाज़कर किसी की बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उंगलियां का मोड़ना भी, उंगलियों का मोड़ना किबला रुख करना ही जरूरी है। अगर पांव सजदे में उठ भी जाए नमाज टूटती नहीं है, ये बड़ा गलत मशहूर है, इवन फिका अनवीवारों ने भी लिखा है ये गलत मशहूर है, इतना गलत है कि उन्होंने भी लिखा है कि गलत है, तो बाकी उसे छोड़ दें, बारे शरीयत पे उन्होंने लिखा हुआ है, मुफ्ती अमजद अली साहब जो हमजा बरेलवी साहब के खलीफा हैं, कि ये बिल्कुल बातिल बात है, अगर उठ भी जाए पांव दोबारा रख लें कोई अर्ज नहीं है, इससे कोई नमाज नहीं टूटती है। हाँ ये है कि सजदे की हालत में वो जो सात अज़ाब पे सजदा करना बुखारी मुस्लिम में वो वाजिब है। वो सात अज़ाब कौन से हैं? दो हाथ, दो घुटने, दो पांव के पंजे, और ये जो है माथा और नाक, ये एक उज्र है, ये दोनों लगना जरूरी है। बाल लोग सिर्फ माथे में सजदा करते हैं इसलिए इधर उधर मुराद पे होता है, वो गलत होता है, नाक लगना जरूरी है, ये बात याद रखिए। तो ये मसला भी क्लियर हुआ। आज का सेकंड लास्ट चौथा सवाल। हाँ जी, एक कोड़ा सवाल है लेकिन जरा तसल्ली ना सुनना जी। क्या बगैर दाढ़ी वाला शख्स जो दाढ़ी मूंडता हो, साथ ये लफ्ज भी है दाढ़ी मूंडता, एक तो बेचारे की दाढ़ी नहीं निकली हुई है, जो दाढ़ी मूंडता हो क्या वो नमाज की इमामत करवाने का अहल है? जी हां भाइयों, क्यों नहीं करवा सकता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत की चार शरायत बताई हैं उनमें दाढ़ी कोई नहीं है, ये कोई लाइसेंस नहीं है दाढ़ी वाला कि जिसकी दाढ़ी होगी तो वो इमामत करवाएगा। वो चार शरायत मैं बताता हूं आपको, वो शायद अक्सर दाढ़ी वालों में भी पूरी नहीं होती। पहले तो इन्होंने मसलियां तो लाओ ना मौलवियों, सही मुस्लिम में, मेरी अपनी जाति नहीं है, सही मुस्लिम में है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1532 नंबर हदीस है, मिश्कात में 1117 नंबर, 1117। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की इमामत वो शख्स करवाए, चार शराइत बताई। नंबर एक, जो सबसे ज्यादा किताबुल्लाह की किरात करता हो, उसका इल्म रखने वाला हो, उसका फहम रखने वाला हो, किताबुल्लाह का फजाइले माल, फजाइले सुन्नत, 14 सितारे अर रहीकुल मख्तूम दी नहीं गल हो रही, कुरान दी गल हो रही भाई, कुरान का ही सारा ना नाम बता लेना भाई, नाराज ना हो जाए, चारों का नाम दे दिया मैंने। अच्छा, तो कुरान का इल्म जिसका होगा वो अहम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कुरान में भी अगर सारे बराबर है, फिर जिसके पास सुन्नत का इल्म ज्यादा है वो इमामत करवाए।
और अगर सुन्नत में भी बराबर है तो जिसने पहले हिजरत की है, यानी जो सीनियर मुसलमान है उस जमाने के एतबार से, तो वो करे। और अगर हिजरत में भी बराबर है तो जिसकी उम्र बड़ी है वो इमामत करवाए। लेकिन नहीं कि बाबा चिट्टी दाढ़ी लगलाता है तो वो जनाब मजूर कुरान पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हे रब्बिल आलमीन इस तरह करके पढ़ रहा है तो दाढ़ी की वजह से नहीं। ये चौथे नंबर पे आती है चीज। चार शराइत बता दी, पहला किताबुल्लाह का इल्म, फिर सुन्नत, सुन्नत में भी बराबर हो, फिर हिजरत, हिजरत में भी बराबर हो तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा। बाकी फिका अरबी वालों ने इसके साथ और चीजें भी लगाई हुई है, वो कहते हैं अगर इसमें भी कोई बराबर हो जाए उन्होंने फौरन टेंशन पै जाती है ना, वो फिर अगे अपनी बिदत पा देना, वो फिर कहते ना बड़े उन्होंने फिर गंदी गंदी किस्म की बातें लिखी। वो कहते हैं जी वो मर्द को देखें, वो मर्द की जिसकी शर्मगाह ज्यादा बड़ी है तो वो अहल होगा, और अगर वो भी बराबर है तो फिर जिसकी बीवी खूबसूरत है। आप हंस रहे हैं, ये फिकह की किताबों में लिखा हुआ है, तो ठीक है देख ले। मैं तो इसमें पढ़ूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब कोई शख्स किताबो सुन्नत से हट जाता है तो अल्लाह ताला उस पर गंदगी डाल देता है ना, तो ये मेरा इंसाफ था कि मैं इनका चट्टा बट्टा भी इस मामले में खोल दूं।